सारा कुक हाउस में मैं शबाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बनाने वाले हैं इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपी खाजा, जो एक स्वीट रेसिपी है। तो इस दिवाली खाजा खुद घर पे बनाइए और अपने घर वालों को खुश कीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, खाजा बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा को छान के लिया है, 1/2 कप घी लिया है, 2 पिंच नमक लूँगी मैं इसमें से, 3 हरी इलायची को मैंने बारीक कूट के लिया है, 1.5 कप चीनी है और 2 कप पानी है। तो चलिए खाजा बनाना स्टार्ट करते हैं। और हमें 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून घी और लगेगा। इसका हम साटा बनाएंगे। साटा बनाने के लिए हमें मैदा और एक घी को अच्छे से फेंट के लेना है। इस तरह से अच्छे से इसे फेंट के लेंगे। ये देखिए, ये साटा फ्लफी बन के तैयार हो गया है। ये जो मेजरिंग स्पून्स और ये जो कप्स आते हैं, इन्हीं से मैं हमेशा अपने मेजरमेंट्स लेती हूँ। सबसे पहले हम आटा गूंद के तैयार करेंगे। ये 2 कप मैदा मैं इसमें ले रही हूँ। अभी मैं इसमें 1/2 कप घी डाल रही हूँ। इसमें से 2 पिंच ही मैं नमक डालूँगी टेस्ट को एनहांस करने के लिए। अभी मैंने घी आटे में अच्छे से लगा लिया है। अभी मैं इसका डो बना लूंगी। डो ज़्यादा स्टिफ भी नहीं चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं चाहिए, मीडियम डो बनाएंगे हम। ठीक है, ये आटा गूंद के तैयार हो गया है। अभी मैं इसे 1 घंटे के लिए ढक के रखूंगी। अभी हम चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चाशनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है। अभी हम इसमें ये चीनी डालेंगे। 1.5 कप चीनी ली है मैंने। इसमें मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। स्लो गैस पे हम चाशनी बनाना स्टार्ट करेंगे। एक तार वाली चाशनी बनाना है हमें। ये देखिए, ये 1 तार वाली चाशनी बनके तैयार है। पहले मैं गैस बंद कर लेती हूँ, फिर मैं आपको ये देखिए, ये 2 उंगली में हम चिपका के देख रहे हैं, तो 1 तार जैसा निकल रहा है इसमें से। अभी मैं इसमें ये इलायची का पाउडर डाल देती हूँ। चाशनी बनने के बाद मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर इसमें। देखिए, 1 घंटे इसे मैंने ढक के रखने के बाद मैंने इसे निकाला है। देखिए कैसे सॉफ्ट डो बन के तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं है। अभी हम इसमें से एक छोटी छोटी ऐसी लोइयां बना के तैयार करेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैं सारी लोइयां बना के तैयार कर लेती हूँ। देखिए, ये सारी लोइयां बना के मैंने तैयार कर ली हैं। अभी हम इसे बेल लेंगे। ये देखिए, इसमें से अब हम एक एक लोई उठा के इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। इसे मैं आटा वगैरह ऐसे कुछ नहीं लगा रही हूँ, ऐसे ही बेल के बड़ा करूँगी मैं इसे। इसी तरह से मैं ये सारी लोइयां बेल के तैयार कर लूँगी। देखिए, ये सारी लोइयों को बेल के तैयार किया है मैंने। अभी मैं इसके ऊपर ये जो साटा हमने बनाया था ये लगाएंगे, अच्छे से फैलाएंगे। किनारे छोड़ते हुए मैं इसे फैला रही हूँ।
किनारे को नहीं लगाना है, उसे हम पानी से सील करने के लिए उसे रखेंगे। अभी मैं इसके ऊपर इस तरह से ये दूसरी भी ये चपाती डाल दूंगी। इसे भी हम ये साटा लगा के तैयार करेंगे। इसी तरह से मैं बाकी सब भी रेडी कर लेती हूँ। एक के ऊपर डालते हुए हमें इसी तरह से बनाते जाना है। देखिए ये सारी अभी ये लेयर्स बनके तैयार है। एक पर एक ये चपाती मैंने मैदा की डाल दी है। अभी मैं साइड से इसे मैं पानी लगाऊंगी इसे सील करने के लिए, नहीं तो जब हम इसे फ्राई करेंगे ये तेल में खुलने लगेंगी। तो इसके लिए मैं साइड से ये थोड़ा पानी लगा के इसे सील करने वाली हूँ अच्छे से। ये देखिए सब साइड से मैंने पानी लगा लिया है। अभी हम इसका एक रोल बनाते जाएंगे। अच्छे से रोल बनाना है, हवा गैप इसमें नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये रोल बना लिया है। अभी मैं इसे ऐसे हाथ से थोड़ा बढ़ा लूँगी। इतना मोटा खाजा नहीं बनाना है हमें, इसलिए मैं इसे थोड़ा इस तरह से लंबा कर रही हूँ इसे धीरे धीरे। ये अच्छा लंबा कर लिया है, थोड़ा पतला भी हो गया इसकी वजह से। अभी मैं इसके ये साइड कट कर लेती हूँ। अभी एक डेढ़ इंच जितना कट कर लेंगे हम इसे इस तरह से। सब कट हो गए हैं। अभी हम इसे एक एक करके हल्का हल्का सा बेल लेंगे। देखिए ऐसे इस तरह से लोई उठा के अभी इसे हल्का सा बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलेंगे, बस इतना ही। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। पहले मैं ये सब इस तरह से बेल के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हल्का गरम हो गया है, ज़्यादा गरम तेल में नहीं तलना है हमें इसे, हल्के गरम तेल में ही तलेंगे। देखिए ये 2 मिनट तलने के बाद अभी मैं इसे पलट रही हूँ। आराम से तलने देना है इसे। देखिए ये पूरे मैंने 13-14 मिनट तक इसे स्लो गैस पे फ्राई किया है। ये देखिए कैसी परतें इसके अच्छे से निकल रही है। अभी मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। देखिए अभी मैं एक उठा के, जब तक ये गर्म है, चाशनी भी हमारी हल्की गर्म है, एक एक मिनट के लिए ही हम इसमें डाल के इसे निकालेंगे। देखिए एक एक मिनट तक दोनों साइड से मैंने इसमें इसे डाल के रखा था। ज़्यादा नहीं रखना है, एक आध मिनट ही रखेंगे दोनों साइड से। अभी मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। ये हमारा खाजा रेडी हो चुका है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो ये अपने आप ही इधर टूट रहा है, देखिए कितना क्रिस्पी है ये। मैं आपको एक प्लेट में अच्छे से सजा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक खाजा बनके तैयार है। कितनी अच्छे परते निकली है इसकी, खाने में भी बहुत टेस्टी है ये। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हमारे खाजा बनके तैयार है। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।